राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के चुनावों को लेकर आज मतदान प्रक्रिया जारी है। अजमेर अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं सभी 10 प्रांतीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। चुनाव अधिकारी व लोक अभियोजक विवेक पारेषण ने बताया कि प्रांतीय प्रतिनिधियों के 10 पदों के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे थे, जिसमें से प्रेमराज प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद 10 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। वहीं अब अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसमें शंकर सिंह शेखावत, आशीष शर्मा, कल्पना शर्मा, देवकरण बांबी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। अजमेर जिले की अलग अलग न्यायालयों में मतदान शाम 4 तक होगा और 5 बजे तक मतगणना शुरू की जाएगी, जिसमें जिले के 548 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो अपने अध्यक्ष पद को लेकर मतदान कर रहे हैं। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। आज अजमेर नए कर्मचारी संघ के जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसमें 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें शंकर सिंह शेखावत, आशीष शर्मा, कल्पना शर्मा व देवकरण भांबी, ये कुल 4 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं, जिनमें जो है चुनाव की जो प्रक्रिया वो जारी है, मतदान लगातार हो रहा है। कुल जिले के अंदर जो है 548 मतदाता हैं, जो ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, नसराबाद, सरवाड़ जो भी न्यायालय के मुख्यालय हैं, उन सभी जगह चुनाव का जो है प्रक्रिया जारी है। सभी जगह मतपत्र मतपेटियां भेजी जा चुकी है और वहां मतदान कराकर पेटियां यहां शाम को 4 बजे तक आ जाएगी। और जो जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर की अदालत है, यहां पर करीबन 324 मत हैं, जिनके मताधिकार का प्रयोग लगातार चल रहा है और 50% के आसपास जो है यहाँ मतदान हो चुका है। 5 बजे मतगणना शुरू होगी और शाम को जो है 5 बजे बाद मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और पहले 10 जो है प्रांतीय प्रतिनिधियों के जो है वो इलेक्शन हो चुके हैं, जिनमें 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेने से निर्विरोध चुनाव निर्वाचित हो गए। उन 10 प्रांतीय प्रतिनिधियों में महेंद्र सिंह राजपुरोहित, भागचंद पवार, भेरूराम भवनलाल गुजर, ऋषिराज, वीरेंद्र कुमार उबाणा, रशीदुल्ला खान, किशन गोपाल शर्मा, सुमेर सिंह और संजय गोयल, ये विजयी प्रत्याशी घोषित हुए, जिन्हें इस परिणाम के साथ ही घोषित कर दिया जाएगा, जो प्रांत में जो है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।